इंदौर में प्रियंका गांधी की जनसभा आज। दौरे को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर अब तमाम राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीते दिन पीएम मोदी ने कई जगहों पर आम सभा को संबोधित किया, तो वहीं आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को इंदौर और धार जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका दोपहर 1 बजे धार जिले के गांव डही में जनसभा को संबोधित करेंगी। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद इंदौर व धार जिले में कांग्रेस के किसी भी स्टार प्रचारक की यह पहली चुनावी सभा होने जा रही है। शाम 4 बजे इंदौर में रोबोट चौराहे के समीप मैदान में उनकी सभा होगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। इस बीच रविवार को मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता गोविंद मालू ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन केवल महासचिव प्रियंका वाड्रा पर और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर ही फोकस क्यों किया जाता है, जबकि अन्य कई महासचिव भी हैं। दलित अध्यक्ष को भी रबर स्टाम्प बना रखा है, यह कौन सा दलित सम्मान है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।